सुनिए हाँ। ये सिर्फ कपोल बातें हैं हाँ। ना तो किसी का युग खत्म होता है ना किसी का युग चालू होता है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे आज नजर नहीं आई कार्यक्रम में। वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम से लखनऊ में हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। सुनने मारा आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो नए चेहरों को जब तक हम मौका नहीं देंगे तो नए चेहरे अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे। निश्चित रूप से आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बहुत अच्छा विस्तार हुआ है और पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस का जो कुशासन था पूरे राजस्थान प्रदेश में अव्यवस्था थी, विकास नाम की चीज नहीं थी, गुंडा राज था, माफिया राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाओं की सुरक्षा और विकास को इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वसुंधरा राजे गुट से तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसीलिए पेच फंसा था और कुछ लोगों का सर वो भी कहना है कि वसुंधरा युग खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये जो लोग कहते हैं देखिए मेरी बात सुनिए ये सिर्फ कपोल बातें हैं। ना तो किसी का युग खत्म होता है ना किसी का युग चालू होता है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे आज नजर नहीं आई कार्यक्रम में। वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम से लखनऊ में हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। सुनने मारा आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो निर्देश देती है उस निर्देश की पालना। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ में है सर, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है क्या लगता है नए चेहरों को भी मौका दिया गया, कैसा मंत्रिमंडल है? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वो भी पहली बार विधायक भी नहीं बने थे और सीधा मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने 15 वर्षों तक बहुत अच्छा गुजरात प्रदेश को चलाया और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। तो नए चेहरों को जब तक हम मौका नहीं देंगे तो नए चेहरे अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे। निश्चित रूप से आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बहुत अच्छा विस्तार हुआ है और पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस का जो कुशासन था पूरे राजस्थान प्रदेश में अव्यवस्था थी, विकास नाम की चीज़ नहीं थी, गुंडा राज था, माफिया राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब ये जो नया मंत्रिमंडल बनाया भजन जी के नेतृत्व में वो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में सुशासन लेकर आएगा, महिलाओं की सुरक्षा और विकास को इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वसुंधरा राजे गुट से तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसीलिए पेच फंसा था और कुछ लोगों का सर वो भी कहना है कि वसुंधरा युग खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये जो लोग कहते हैं देखिए मेरी बात सुनिए ये सिर्फ कपोल बातें हैं। ना तो किसी का युग खत्म होता है ना किसी का युग चालू होता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी पहले कार्यकर्ता है। वो पहले भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता रहेंगे और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वसुंधरा राजे आज नजर नहीं आई कार्यक्रम में। वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम से लखनऊ में हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। सुनने मारा आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो निर्देश देती है उस निर्देश की पालना करते हैं। अब देखिए ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और वसुंधरा राजे गुट से आते हैं। आखिर वसुंधरा राजे आप देखिए मंत्रिमंडल के कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लेने आई, इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम तरीके से सवाल खड़े कर जा रहे थे। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे नाराज है, वसुंधरा राजे के समर्थकों को पूरी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा गुट के आने वाले अशोक परिणामी ने इस बात को लेकर साफ कर दिया कि वसुंधरा राजे पारिवारिक काम से लखनऊ यूपी गई है। दिनेश बोरा, जयपुर, राजस्थान तक।